आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हमारे आसपास आपने कई लोगों को बहुत ज्यादा छींकते हुए देखा होगा। कईयों को आपने बहुत तेजी से उनकी नाक को रगड़ते या खुजलाते हुए भी देखा होगा। एक्चुअली वो कई तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, या तो नजला जुकाम होता है, या फिर साइनस जैसी गंभीर बीमारी, या फिर कोई और समस्या। हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो नजला है, नाक में होने वाली एलर्जी पर बात होगी, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, हर मंगलवार की तरह मैं हाजिर हूं प्रतीक वाघ मारे हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड को लेकर। पिछले मंगलवार हमने सफेद बालों के इलाज को लेकर और हेयर कलर को लेकर बात की थी, वो आप सुन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नजला यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस पर। ये क्या होता है, इसका कारण क्या है, ये कितनी आम समस्या है, क्योंकि कई लोग फिट रहने के बाद भी इस एलर्जी से जूझते हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनकी डाइट एंड ऑल एकदम प्रॉपर है, डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं अपनी नाक को लेकर। पिछले साल की एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि हर 3 में से एक व्यक्ति इस एलर्जी से परेशान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। बचपन से लेकर 55 तक इस एलर्जी की चपेट में हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसे आम सर्दी समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें और बाकी साइनस और आम जुकाम से कैसे अलग है, सब पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर आशीष वशिष्ठ, जो दिल्ली में मणिपाल हॉस्पिटल में ऑटो राइनो लर्निंगोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष। नमस्कार जी। काफी भारी वेलकम डेजिग्नेशन है सर आपका। मैं चाहूंगा कि ये स्पेशलिटी आपकी किस में है एग्जैक्टली, आप थोड़ा हमारे लिसनर्स को समझाएं, फिर शुरू करते हैं। देखिए, ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजी इसका मतलब है कान, नाक और गला। ये ENT स्पेशलिटी होती है, नाक कान और गला, मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिटी। और नाक कान गला और मुंह से जुड़े हुए सारे डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं। ओके, तो डेजिग्नेशन सर काफी भारी भरकम है आपका, लेकिन ये बीमारी जो है, ये एलर्जी है, वो कितनी भारी भरकम है और कितनी आम है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज? देखिए, ये बीमारी बहुत ही आम है। हमारे रोजमर्रा के OPD में, आउट पेशेंट क्लिनिक में, हम रोज ही इस बीमारी से पीड़ित लोगों को देखते हैं। और तकरीबन हर उम्र के ही होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। तो कोई ऐसा एज नहीं है जिसमें ये बीमारी ना होती हो। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है इस एलर्जी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि एलर्जी जो है एक बहुत बड़ा शब्द है। एलर्जी तो हर चीज से हो सकती है, दवाई से और किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। हम यहाँ बात करेंगे स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस की, जिसकी आपने बात छेड़ी। तो एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है एलर्जी, राइनाइटिस मतलब नाक, तो मतलब नाक की एलर्जी। तो ये एक ओवर सिंप्लीफाइड टर्म है, बट एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है, हम इससे ये मानते हैं कि पूरा जो हमारी सांस की नली होती है, जो नाक से लेके फेफड़ों तक जाती है, इस पूरे की ही एलर्जी होती है, जिससे कि बहुत सारे पेशेंट्स ग्रस्त होते हैं। और सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशंस नाक की होती हैं, जैसे कि छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक में इचिंग होना या खुजली होना, आंख से पानी आना, नाक का बार बार बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, और कभी कभी जब ये लोअर एयरवे, मतलब जो लंग्स हमारे, जो फेफड़े हैं, जब वो भी ग्रस्त होते हैं, तो उस वजह से खांसी आना, सूखी खांसी, या अस्थमा हो जाना और सांस का कम आना, ये सब मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट की एलर्जी कितनी सीवियर है या माइल्ड है। हाँ, तो यही एग्जैक्टली, अगर किसी पेशेंट को या किसी भी को ये समझना हो कि इसकी सीवियरिटी को लेकर, या फिर वो कब ये तय करे कि अब उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए इसे लेकर, क्योंकि ये एक आम, काफी आम समस्या है। सर्दी हो जाती है, लोग कुछ खाकर घर पर ही अपना उपचार कर लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं कई बार,
और उनको वापस बार बार ये होता रहता है, तो ये हम कब समझे कि अब इसे हमको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, कभी कभी ऐसे ज्यादातर पेशेंट्स तो होते हैं जो जिनको ये एलर्जी सिर्फ मौसम बदलने पे आती है या जगह बदलने पे आती है। अगर ये सिर्फ मौसम बदलने पे आई है या 4-6 दिन या हफ्ता 10 दिन की बात है और फिर बिना कुछ दवाई लिए या छोटे मोटे मेडिसिन से ये ठीक हो जाती है तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एलर्जी आपके जीन्स में है, मतलब ये एलर्जी जेनेटिक भी होती है, अगर आप ये जानते हैं कि आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये एलर्जी है, यही सिम्टम्स हैं, चाहे उन्होंने इलाज कराया हो या ना कराया हो, और आपको भी है, या फिर आपको ये एलर्जी हुए खासा समय हो गया है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने बीत चुके हैं और ये कंप्लेंट्स या तो परसिस्टेंट हैं या ऑन ऑफ रेकर करते हैं, तो ऐसे में आपको कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास जाके जरूर से चेक कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ऑफन ये धारणा होती है कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, या छींकें तो आती रहती हैं, या सुबह उठ के 20-50 बार छींक देना बहुत आम बात है। नहीं, ये आम बात नहीं है। और अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास भी, चाहे वो फिजिशियन हो या ENT के डॉक्टर हो या छाती के डॉक्टर हो, तो जरूर आपको सहायता मिलेगी। तो आप क्या कारण मानते हैं इस एलर्जी के पीछे? देखिए, एलर्जी दो तरह की होती है। एलर्जी एक तो होती है किसी तथ्य से एलर्जी, मतलब कोई खास सब्सटेंस है जिससे मैं एलर्जिक हूँ या मेरी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। ऐसे तो बहुत दवाइयाँ भी हो सकती हैं, और आपने आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी में, घर में, बाहर में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। पॉलन होती है जो फूलों से आती है, डस्ट होती है, टर्माइट से होती है एलर्जी, बहुत लोगों को से भी हो जाती है, डीओज वगैरह परफ्यूम से भी होती है, डीओ से हो जाती है, पेट्रोल डीजल, तो ऐसे तो सब्सटेंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग, ज्यादातर लोगों को एलर्जी किसी एक डिफाइंड चीज से नहीं होती, उनको खासी एलर्जी हर चीज से ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि एलर्जी जो है वो आपके शरीर में है, एलर्जी के लेवल्स आपके शरीर में बढ़े हुए हैं, इसलिए उन 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 चीजों को जिनसे बाकी लोग रिएक्ट नहीं करते आप करते हैं, और आप उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। और जब भी वो प्रोडक्ट्स, वो सब्सटेंसेस आपके बॉडी में, आपकी नाक की म्यूकोजा या आपके फेफड़ों की म्यूकोजा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं छींक के या नाक बहके या खांसी होके या दमे की तरह से। ये डिपेंड करता है कि आपकी एलर्जी किस तरह की है। ज्यादातर जो कॉमन एलर्जीज होती हैं वो किसी नॉन सब्सटेंस से नहीं होती, वो हर चीज बहुत उन चीजों से होती है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो डस्ट ऑमनी प्रेजेंट है, बाहर जाएंगे तो पॉलन भी ऑमनी प्रेजेंट है। ये चीजें वो हैं जो हर जगह है ही है, तो इनसे आप ज्यादातर जगह बच नहीं सकते। तो हम इसको मानते हैं कि हम फिर इलाज करते हैं एलर्जी का स्पेसिफिकली। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बच्चों में ज्यादातर बीमारियां इसमें भी देखी गई है कि छोटे बच्चे हैं वो कभी कभी अचानक छींकने खांसने लगते हैं, तो बच्चों में हम कैसे उनका ध्यान रखें और हमें ये पता भी हो कि हाँ ये कुछ जो है एलर्जिक राइनाटाइस से मिलती जुलती चीज है, ये हम कैसे पता करें बच्चों में खासकर? देखिए, ये सेम सिम्टम बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। तो जैसे हमने बताया कि छींके आना, परसिस्टेंटली जुकाम रहना, सारे समय जुकाम रहना, ये चीजें सबसे पहले पेरेंट्स को देखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। या ऐसी खांसी जो रुक रुक के आए, बहुत जोर से खांसी का धसका उठे, ये सांस ना आए, और ये चीज बहुत बार हो, एक बार नहीं बहुत बार हो, ये हर रोज किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही। ज्यादातर बच्चों को आप देखेंगे कि सुबह उठते ही 20-50 बार छींक देंगे, या सुबह उठते ही नाक से पानी आ जाएगा या नाक बंद हो जाएगी उनकी। ये सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं, नाक बंद हो जाएगी तो सांस मुंह से लेंगे, सोते मुंह खुल जाएगा उनका। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को देखने चाहिए। एलर्जी के देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जेनेटिक, बहुत एलर्जीज आपके जीन्स में होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत फैमिलीज में एलर्जी रन करती है, कि जिनके पेरेंट्स को एस्थमा है बच्चों को भी एस्थमा की टेंडेंसी होती है। बिल्कुल, तो ये भी चीज देखनी है आपको। दूसरा ये है, एलर्जी आपके जेनेटिक्स, आपकी सराउंडिंग्स और आपकी इम्यूनिटी, ये एक ट्रायंगल है और एलर्जी इसका एक सम टोटल है। कैसे आपके जेनेटिक्स, आपकी जीन्स, आपके एनवायरनमेंट से और आपकी इम्यूनिटी उसको कैसे हैंडल करती है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी एलर्जी मैनिफेस्ट करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो दरअसल कितना करेगी। इसमें हमारा खाना पीना भी इंक्लूड होता है, हम कहाँ रहते हैं, वो एनवायरनमेंट कैसी है, क्या वहाँ मिट्टी है, क्या वहाँ की हवा साफ है, ये सब बातें इंक्लूड होती हैं अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ हुए हैं, लेकिन हाँ हमारी एनवायरनमेंट और हमारा खाना पीना हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल,
तो डॉक्टर साहब, आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो काफ़ी लेट हो जाते हैं होंगे ये बीमारी को लेकर, पहले नहीं दिखाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इसको बहुत हद तक इग्नोर कर दे इस बीमारी को, तो उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं छाती के कॉम्प्लिकेशन, एक होते हैं नाक और साइनस के कॉम्प्लिकेशन। नाक और साइनस में क्या होता है, अगर पेशेंट्स इसको इग्नोर करते हैं तो एलर्जी की वजह से धीरे धीरे साइनस में मास बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉलिप। शुरू में तो वो उसका कोई खास सिम्टम नहीं होता, हल्की फुल्की नाक बंद रहती है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और बाजार से, केमिस्ट से या फार्मासिस्ट से कोई भी ड्रॉप दवाई लेके नाक में डालते रहते हैं और काम चलाते हैं। ये ना तो इससे कोई फायदा होता है, बशर्ते ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी नाक की म्यूकोजा इससे बहुत खराब हो जाती है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसकी आदत पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि जब पॉलिप नाक के बढ़ने लगते हैं एलर्जी की वजह से, तो आपकी नाक पूरी पॉलिप से भर जाती है, नाक से सांस नहीं आती। ये पॉलिप से क्या मतलब है? पॉलिप्स को थोड़ा पॉलिप जी, नाक की जो म्यूकोजा होती है ना, नाक के अंदर जो लाइनिंग होती है स्किन की, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब वो शुरुआत में बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ के वो क्या करती है, पूरे साइनस में इकट्ठी हो जाती है, और अगर वहां भी ना रोकी गई तो साइनस से इकट्ठी होकर नाक पूरी नाक को भर देती है, और बहुत सीवियर केस में तो नाक से बाहर भी आना शुरू करती है। मतलब इसका होता है, अगर आप किसी को देखें, हम एज एन ENT स्पेशलिस्ट अगर किसी का नाक एग्जामिन करें पॉलिप में, तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे गुच्छे पड़े हुए हैं मास के। इसको हम बोलते हैं पॉलिप। सूजन की तरह? सूजन भी नहीं है, ये गुच्छे हैं, ये मास जो है इतना सूज गया है नाक के अंदर का, इसने पूरी नाक को भर दिया है, और इससे अब नाक में, नाक से सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, और ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल सेंसेशन है। ये पॉलिप जो है आपकी नाक के अंदर और सारे साइनसिस के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और अगर ना रोका जाए तो ये साइनस की जो हड्डी होती है उसको भी कमजोर कर सकते हैं, खा सकते हैं। हमारे साइनस के ऊपर और साइनस के बीच में हमारी आंखें होती हैं, दिमाग होता है। तो अगर कोई बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो, जो बहुत ही नेग्लेक्टेड हो, तो ऐसे केस में इन पॉलिप से इन दो स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आंख और दिमाग को भी नुकसान पहुंचने का रिस्क रहता है। ओके, तो आप लोग डॉक्टर साहब इसे फिर डायग्नोस कैसे करते हैं, क्योंकि ये इतनी बीमारियां हैं, लगभग सभी के सेम सिम्टम्स है, बहुत ही माइन्यूटली अंतर होता है, तो कैसे आप इसको डायग्नोस करते हैं जब भी कोई पेशेंट पहली बार आपके पास आता है? देखिए, डायग्नोसिस के भी तीन, मैं बताऊंगा तीन तरह के तरीके हैं डायग्नोस करने के, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब पेशेंट के सिम्टम्स को सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी है, और उन्हें एग्जामिन करना। अगर आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं या फिजिशियन हैं तो आप छाती को सुनेंगे, लगेगा कि अगर दमा है तो वहाँ पे वीजिंग होगी, एक सीटी बजने की आवाज़ सी आती है, उसको बोलते हैं वीजिंग। तो वो पहला इंडिकेटर होता है कि हाँ, छाती में अस्थमा है जो एलर्जी की वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर आप जैसे ENT के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आप किसी की नाक एग्जामिन करेंगे तो नाक में आपको लगेगा मास बढ़ा हुआ है, या फिर ये गुच्छे बने हुए हैं, इसको हम पॉलिप कहते हैं, तो ये आपको दिख जाएंगे सामने कि मुझे दिख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो होती है किसी पेशेंट की हिस्ट्री सुनना और उसको एग्जामिन करना। नंबर टू होता है कुछ ब्लड टेस्ट। ब्लड के भी कुछ टेस्ट होते हैं जहाँ से हम एलर्जी का स्तर पता कर सकते हैं, और कौन सी एलर्जी ये पता कर सकते हैं, हर एलर्जी एक समान नहीं होती, तो कौन सी एलर्जी है और एलर्जी का स्तर कितना है, ये हम कुछ खून के टेस्ट से पता कर सकते हैं। और तीसरा होता है इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब होता है सीटी स्कैन या एक्सरे। चाहे छाती हो या नाक हो, नाक और साइनस के केस में हम लोग सीटी स्कैन पर डिपेंड करते हैं। नाक और साइनस के सीटी स्कैन से हमको चलता है पता कि नाक में पॉलिप है या नहीं, कहीं साइनस बंद हो रहे हैं कि नहीं एलर्जी की वजह से, ये सारी बातें हमें सीटी स्कैन से चलती हैं। और छाती के लिए या तो एक्सरे या फिर सीटी स्कैन करके हमें छाती के मैनिफेस्टेशन का भी पता चलता है कि छाती में एलर्जी की वजह से क्या नुकसान हुए हैं और क्या नहीं। तो ये तीन तरीके हैं पता करने के कि पेशेंट्स का एलर्जी से कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो इसका इलाज जो है वो तो डॉक्टर साहब समझना ही हमें, लेकिन एक इससे थोड़ा हटके ये मेरा सवाल है कि जैसे कई बार मैं अपने घर पे बैठा रहता हूँ, अचानक से मेरे पापा या बड़ी बहन है अचानक से छींकने लगते, लगातार छींक देते हैं वो लोग, तो उस वक्त मैं उनको क्या सलाह दूँ कि तुरंत उनको एक राहत मिल जाए? क्या उनको अगर ये वन ऑफ इवेंट है, अगर ये वन ऑफ इवेंट है कि ये एक ही दिन हुआ है, या मान लीजिए घर में कोई कुछ खाना बन रहा है तड़का लगा है, या कोई पर्टिकुलर स्मेल है जिसकी वजह से ऐसा हो गया, या नाक में काली मिर्च चली गई, ये तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, अपने अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर हाँ, अगर ये सिलसिला रोज हो रहा है या बहुत कॉमनली हो रहा है, तो इसमें आप सबसे पहले जो घर पे सबसे सेफ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं वो है एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ, मतलब एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जैसे कि सेटिजिन है, एलेग्रा है, ये फेक्सोफेनाडिन, ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं, जनरली बहुत सेफ हैं। जब तक कि आप डॉक्टर को ना दिखा पाएँ
तो आप एक ऐसी एक टेबलेट ले सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन, और इससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं जब तक आप डॉक्टर को ना दिखा पाए। बट अगर ये बार बार लेनी पड़ रही है आपको या लेके भी आप नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आप समझिए कि समय आ गया है जहां आपको थरो एग्जामिनेशन और चेकअप की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके इलाज पर अब आते हैं, क्या इसे पूरी जड़ से आप लोग खत्म कर सकते हैं या फिर ये केवल कंट्रोल किया जा सकता है, क्या है इसका एक इलाज प्रॉपर? देखिए, जड़ से तो कंट्रोल करना लगभग संभव नहीं है एलर्जी, क्योंकि आपके जीन्स में होती है, आपकी बॉडी में होती है, इसको हमेशा हम कंट्रोल ही करते हैं। जैसे बताया मैंने कि जेनेटिक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर अपना खाना पीना रहना सहना ये आप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे सिम्टम्स जो NCR में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इनको एलर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि ज़्यादातर साफ जगह में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ एलर्जी नहीं होती, पर जनरली फ़र्क है। यही पेशेंट जब किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से जहाँ पे हवा का स्तर बहुत साफ है, वहाँ इनके बहुत समय तक सिम्टम्स नहीं होते और ये काफ़ी स्टेबल रहते हैं। एक तो ये है। दूसरा, जैसे बच्चों के केस में हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को प्रोसेस फूड से बहुत दूर रखा जाए। हमारे देश में वेस्ट के मुकाबले अभी भी एलर्जी का स्तर बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है बहुत रॉ है, रॉ खाने को अभी भी बहुत प्रेफर करते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा नहीं खाते। जब भी हम बच्चों को बचपन से प्रोसेस फूड में ज़्यादा डालते हैं तो हम ना चाहते हुए भी एलर्जीज को इन्वाइट करते हैं। तो हम जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि छोटे बच्चों को प्रोसेस फूड बिल्कुल ना खिलाएं, इससे एलर्जीज की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप देखेंगे बाहर बहुत बहुत सारे बच्चों को पीनट से एलर्जी, दूध से एलर्जी, सीलिएक डिजीज, ये बहुत कॉमन होती है, जो हमारे यहाँ भी है पर इतनी कॉमन नहीं इतने की वेस्ट में है। इसका एक मेजर कारण हमारी डाइट है। ओके, डाइट का भी मतलब काफी इसके बाद, हाँ। जी डाइट का भी है। इसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट पे आऊँ, इलाज पे आऊँ, तो एलर्जी के देखिए दो तीन तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होती है जो हम कहते हैं सीजनल एलर्जी है, कि जब मौसम बदला तो आया, सर्दी से गर्मी में आए, गर्मी सर्दी में आए। अगर ऐसी एलर्जी है और आपको कुछ सिम्टम्स हुए जो नाक के हुए या छाती के हुए, तो उस टाइम हम उस सीजन में कुछ मेडिसिन देके इसे कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। अगर आपको नाक की एलर्जी है तो नाक के कुछ स्प्रे होते हैं वो हम देते हैं, और कुछ एंटी एलर्जी टेबलेट्स होती हैं वो हम दे सकते हैं। अगर आपको सांस में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो कुछ तरह से नेबुलाइज कर सकते हैं, और कुछ पफ होते हैं जो कि इनहेल करने से आपको सांस बेहतर आती है, और अगर जैसे ही सीजन ठीक हुआ तो आप भी ठीक हो गए, फिर हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ये तो होता है इजी इलाज उन पेशेंट्स के लिए जिनको सीजनल एलर्जी होती है, जिनको हम बोलते हैं पेरिनियल एलर्जी। पेरिनियल मीन्स जिनको साल भर एलर्जी रहती है और वो कोई सीजन पर डिपेंड नहीं करती, उनके इलाज में हमें और ध्यान देना होता है, बिकॉज कितनी मेडिसिन कब तक दे सकते हैं इसका भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसके में अंदर भी दो तरह के इलाज होते हैं। अगर हम साइनस पे और नाक पे आएँ तो एक होते हैं मेडिकल इलाज, एक होते हैं सर्जिकल इलाज। सर्जिकल इलाज सिर्फ तब किए जाते हैं जब नाक के अंदर किसी के पॉलिप बढ़ जाते हैं और वो सांस को रोक देते हैं। अगर वो नाक को बंद कर दें, सांस को का रास्ता रोक दें और किसी को सांस ही ना आए दवाई देने के बावजूद भी, तो इस स्थिति में हमें ऑपरेशन द्वारा, एंडोस्कोपिक सर्जरी द्वारा वो पॉलिप निकालने पड़ते हैं और साइनस खोलने होते हैं। इससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है। जी, ये काफ़ी सक्सेसफुल है और बहुत पेशेंट में करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके, इस एलर्जी का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो बाय एंड लार्ज मेडिकल है। इसका मतलब कि दवाई से ही उसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा। दवाइयों के स्तर बहुत सारे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल और ऐसी दवाइयों से जो जिनके साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं, जैसे नाक के स्प्रे हो गए। नाक के अंदर स्टेरॉइड स्प्रे से कोई खास नुकसान नहीं होता, और ज़्यादातर पेशेंट्स का छींके आना या नाक से पानी आना, जुकाम रहना, नज़ला होना, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को इससे भी आराम नहीं आता है तो हम कम मात्रा में लो डोज में स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, जिनसे कि उनके एलर्जी को हम कंट्रोल में लेके आते हैं। तो स्टेरॉइड्स ऐसी दवाई है जो उनको हम बहुत लंबे समय यूज नहीं कर सकते, उनके नुकसान भी होते हैं बॉडी में, तो इसलिए हमें वो कुछ समय के लिए यूज करने होते हैं जब एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस स्थिति में हम लोग ब्लड में एलर्जी के लेवल्स समय समय पर चेक करते रहते हैं। हमें जब लगा कि एलर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस टाइम एक छोटा कोर्स मेडिसिन का दिया जाता है, और जैसे जैसे कंट्रोल होता है वहाँ पे हम ये वाले जो दवाइयाँ हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, इनको हम कम कर देते हैं। साथ साथ हम पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को जिनको एलर्जी ज़्यादा होती है, उनके हम लोग कुछ स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट भी करते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या किसी केस में कोई खास सब्सटेंस है जिससे उनको एलर्जी हो रही है जो उनको नहीं पता। जैसे मान लीजिए कुछ एक पेशेंट्स हैं उनको मस्टर्ड से एलर्जी है, तो उनको हम बोलते हैं कि मस्टर्ड यूज़ नहीं करना है। हमारे यहाँ, हमारे देशों में बहुत कॉमन आदत है, लोग नाक में
मस्टर्ड का तेल डाल लेते हैं कुछ भी सोच के, तो लोग ये समझते नहीं है कि बहुत बार मस्टर्ड से ही एलर्जी होती है और ये तेल डालने से उनकी तकलीफें बढ़ रही हैं, ठीक नहीं हो रही। तो नाक के अंदर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस डालना अवॉइड करते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई नाक किसी की ड्राई हो रही है, किसी को ड्राइनेस के लिए यूज करना है, तो एक ऑर्डिनरी बेनाइन कोकोनट ऑयल जैसी कोई चीज लगाई जा सकती है। और किसी भी तेल का नाक में डाला जाना हमारे हिसाब से इनकरेक्ट है, इसको हम डिस्करेज करते हैं। दूसरा, बहुत बार क्या होता है, पेशेंट्स जो है केमिस्ट से, फार्मासिस्ट से या टीवी में एड देख के नाक के अंदर ड्रॉप डाल लेते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, जिनके बारे में उसको पता नहीं होता। ये स्प्रे काफी डेंजरस होते हैं, इनसे आदत पड़ जाती है और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। इनसे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है या बुजुर्ग हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में तो ये दवाइयाँ बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर एडवाइस के, बिकॉज इससे खासी तकलीफ हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं पहले ये दूंगा कि किसी पेशेंट को अगर एलर्जी है, सिम्टम्स है, तो प्लीज अपना इलाज खुद ना करें और केमिस्ट या फार्मासिस्ट से भी ना कराएं। एक हॉस्पिटल में, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो या ENT डॉक्टर हो या चेस्ट फिजिशियन हो, किसी के पास भी जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स बयान करें और जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो डॉक्टर्स आपको दवाई देंगे। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए क्योंकि उससे ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं और कहीं बाहर से पूछ के अपने आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो आप समझेंगे नहीं, आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस बात से और फिर वो नई प्रॉब्लम्स को बुलावा देगा। एग्जैक्टली। और डॉक्टर, अगर कोई क्लोज्ड स्पेस में है या फिर भीड़ भाड़ के इलाके में और किसी को इस तरीके की एलर्जी है, तो आसपास के लोगों को कितना खतरा है? वैसे तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन कितना खतरा हो सकता है? नहीं, आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। जनरल एटिकेट्स हैं कि जब भी खांसे या छींके तो मुंह कवर करें रुमाल से या टिश्यू पेपर से, बट ये कम्युनिकेबल नहीं है। अगर आपको खांसी या छींक आ भी गई है तो इससे किसी को कोई खास खतरा नहीं है, अंटिल अनलेस आपको ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे कोविड हो गया, आप उसको स्प्रेड कर ले रहे हैं किसी ना चाहते हुए भी, पर वैसे किसी को मतलब अदरवाइज ज्यादा खतरा नहीं है। बिल्कुल। तो कोई होम रेमेडीज, अगर घर का उपचार जो बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल। होम रेमेडीज में दो तीन चीजें हैं जो आप जरूर कर सकते हैं। पहली बात, जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है एलर्जी की और छींके आने की, नजर रहने की, उनको हम स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं कि पहली बात तो घर में सफाई रखें, घर में कारपेट्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, अगर गद्दे हों तो गद्दों को धूप में सुखा के उन्हें साफ रखें। काफ़ी बार ये कारपेट, ये गद्दे, पुराने कर्टन, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी या फंगस भी होती है जिसको हम समझते नहीं हैं और इस वजह से हमारी एलर्जी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होती है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें अपने घर में, तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एलर्जन एक्सपोजर हमारे लिए कम हो जाएगा। दूसरा, एक हम बहुत ज़माने से कहते हैं, अगर आपको नाक की एलर्जी है तो हम रिकमेंड करते हैं सब लोगों को जलनीति करना। जलनीति हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से कहते हैं। जलनीति का मतलब होता है नाक को पानी से सफाई करना। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई एक सिरिंज ले लें 10 या 20 ml की, उसके अंदर नमक वाले साफ पानी से, गुनगुने पानी से सुबह और शाम दो बार अपनी नाक को धोएं, वॉश बेसिन पे जाएं और नाक में जेंटली 10 से 20 ml पानी डालें और जो पानी नाक से बाहर भी आएगा, मुंह से भी आएगा, उसको स्पिट कर दें। इस तरह से आपकी नाक में जो भी खराब चीजें सुबह से शाम तक इकट्ठी हुई होती हैं वो निकल जाती हैं, आपकी नाक साफ रहती है और जो एलर्जन होते हैं उनका एक्सपोजर आपके ऊपर कम हो जाता है। ये हम जनरली भी कहते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनके एलर्जी का लेवल कम रहे, और स्पेशली जिन पेशेंट्स को हम ऑपरेशन करते हैं, साइनस सर्जरी करते हैं, उनको तो हम ये मैंडेटरी कहते हैं कि वो लाइफ टाइम अपनी नाक की सफाई जल नीति से सुबह और शाम दो बार जरूर से किया करें, इसका बहुत फायदा होता है। तो घरेलू उपचार तो है, लेकिन अगर केस आपका सीवियर है तो डॉक्टर को ही दिखाना जरूरी है। आखिर में मैं डॉक्टर ये जानना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम के वक्त हम सबसे पहले किससे मिले? जनरल फिजिशियन, ENT, अभी आपने बताया लेकिन आपने भी तीनों का नाम ले लिया, तो ये बताइए पहले हम किसके पास जाए अगर सिट्रिजन इस तरीके की गोलियां खा के भी हमको कोई आराम नहीं मिल रहा है तो? देखिए, मैं तो ये मानूंगा सबसे पहले आपको जनरल फिजिशियन से मिलना चाहिए क्योंकि वो सब सिस्टम समझते हैं। उसके बाद हम यही रिकमेंड करते हैं हमारे हॉस्पिटल में भी कि सबसे पहले पेशेंट जनरल फिजिशियन को दिखाएं, और उसके बाद अगर फिजिशियन ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन प्राइमरीली छाती की हैं तो वो लंग स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि नाक से सांस नहीं आ रही है या किसी स्कैन में, सीटी स्कैन में या ब्लड टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि नाक में पॉलिप है, तो फिर वो पेशेंट ENT स्पेशलिस्ट को भेज जाएं। बट जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट जनरल फिजिशियन को दिखाएं, और ये डिसीजन जनरल फिजिशियन का हो कि वो पेशेंट्स वहीं पर रहेंगे या उन्हें किसी और स्पेशलिटी में रेफर किया जाएगा।
हाँ वही डायरेक्ट कर देंगे एक तरीके से जी। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका आज तक रेडियो के साथ बात करने के लिए, काफी विस्तार में आपने हमें धन्यवाद कई चीजें समझाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको कई सारी जानकारियां मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो भी radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। हेलो डॉक्टर को आप आज तक रेडियो के एप्लीकेशन के अलावा हबऑपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे, अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है, ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।